हेलो फ्रेंड्स, आज की स्मैकडाउन में द उसोस ब्रदर्स वर्सेस केविल ऑलिंस एंड सैमी ज़ेन का एक टैग टीम मैच हमें देखने को मिला और यह मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो चलिए जानते हैं आज की स्मैकडाउन में क्या क्या होता है। तो मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं WWE विद इस्ट्रिया। यहाँ पे सबसे पहले पोल हेबन ये कहते हैं, अगर तुम्हें इस स्मैकडाउन में रोमन रिंग्स के साथ आना है तो तुम्हें इस मैच को जीतना ही होगा। मतलब यहाँ पे पोल हेबन ये कहते हैं जिमी उसो और जे उसो को कि तुम्हें ये मैच किसी भी हाल पे जीतना है। और यहाँ पे हमें रोमन रिंग्स का ना एंट्री देखने को मिलती है, ना बैक स्टेज में रोमन रिंग्स को देखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर मैच स्टार्ट होता है जिमी उसो जे उसो बसिस केबिल ऑलिंस एंड सैमी ज़ेन का। ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इस मैच में हमें बहुत कुछ देखने को मिला। द उसोस ब्रदर्स बहुत बार किक लगाते हैं केबिल ऑलिंस एंड सैमी ज़ेन को और यहाँ पे ये होता है। और यहाँ पे पोल हेबन को कॉल आता है रोमन रिंग्स की तरफ से और रोमन रिंग्स ये कहते हैं कि अब टाइम आ चुका है सोलो सिकोआ को जाकर अटैक करने का और ये मैच यहीं पे ख़त्म करने का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सोलो सिकोआ आते हैं उसके ऊपर रेडियल अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से सोलो सिकोआ अपने द उसोस ब्रदर्स का हेल्प नहीं कर पाते हैं, सेव नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फाइनली इस मैच में द उसोस ब्रदर्स हार जाते हैं। और अगर यहाँ पे सोलो सिकोआ आकर अटैक कर देते केबिल ऑलिंस एंड सैमी ज़ेन को तो यहाँ पे द उसोस ब्रदर्स ही जीतते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिडल आकर अटैक कर देते हैं सोलो सिकोआ को, उसके वजह से द उसोस ब्रदर्स हार जाते हैं और यहाँ पे फाइनली जीत जाते हैं केबिल ऑलिंस एंड सैमी ज़ेन। और यहाँ पे जब द उसोस ब्रदर्स हार जाते हैं तब आते हैं सोलो सिकोआ। सोलो सिकोआ आकर नज़ारा देखते हैं और यहाँ पे स्मैकडाउन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये देखना बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा कि बैक स्टेज में कौन विनर होगा। मतलब यहाँ पे द उसोस ब्रदर्स को देख के अब लगता है कि अब शायद द उसोस ब्रदर्स ही जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल WWE विद इस्ट्रिया। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।